Ones. Today I'm going to explain you how to reduce the budget deficit. In my previous videos I have explained you how to measure the budget deficit, what are the formula of calculating all the three budget deficits, but now I'll be explaining you how to reduce that, what the government should adopt, either lowering the expenditure or increasing the source of revenue. But growth should be high. Expenditure kam kar rahe hain, revenue bada rahe hain, लेकिन ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए और इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, हाउ टू करेक्ट द बजट डेफिसिट, फर्स्ट इज बाय रिड्यूसिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, द अदर वन इज बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कम करना है वो कौन सा कम करना है? सब्सिडीज. दिस इज द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, राइट? व्हेन इट कम्स टू द गिविंग सब्सिडीज टू द रिच पीपल, लाइक वी आर गिविंग टू द रिच फार्मर्स, वो एक्सपेंडिचर कम करो, राइट? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कम करो, जो हमारा डिफेंस, जो ऐसी जगह पे लग रहा है जहाँ नहीं लगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे हम ज़्यादा लगा रहे हैं, उसको कम करो, ठीक है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स कम कर दो. ये सारी चीज़ें जब हम कंट्रोल करेंगे तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे. एंड वेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट में इंक्रीज द टैक्स बेस, टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट मे डू द डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट कैन सेल इट्स पार्ट और द होल ऑफ द शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड गेट द मनी, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ जाएंगे. एंड द थर्ड इज द डेफिसिट फिनेंसिंग. द डेफिसिट फिनेंसिंग मीन्स गवर्नमेंट बोरो द मनी, बोरो इन द सेंस गवर्नमेंट आस्क द RBI टू गिव द मनी, गिव द मनी इन द सेंस इशू द न्यू करेंसी अगेंस्ट सम securities. Deficit financing is when the RBI issues the new currency, right? And subsidies reduction in oil. अब सब्सिडी हमने बोल तो दिया, किस में कम करना चाहिए? ऑयल में कम करना चाहिए, LPG, fertilizers, इन सब चीज़ों में कम करो. रिडक्शन इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डिफेंस में कम करो, अपना बजट में कम करो, राइट? बजट में कहाँ कम करोगे? जो डिफेंस में पैसा लगा रहे हो उसको कम करो. ट्रांसफ़र पेमेंट्स कम करो, जो स्कॉलरशिप्स डोनेशन चैरिटी दे रहे हो उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखो. एंड रिडक्शन इन LTC बोनस वगैरह जो हम लोग देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसको कम करो. देन इंक्रीज इन टैक्स बेस. टैक्स कैसे बढ़ाया जाएगा? टैक्स बेस शुड बी इंक्रीज्ड, टैक्स रेट बढ़ा दो, टैक्स इवेजन शुड बी चेक्ड. टैक्स की चोरी अगर हो रही है, कोई चेक कोई नहीं दे रहा है टैक्स, उसको देखो ध्यान से कि हाँ टैक्स निकाले वो, राइट? एंड मोर एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसकी ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स विच बर्डन फॉल्स ओनली ऑन मोर ऑन द रिच पीपल एंड लेस ऑन द पुअर पीपल. सो इट ऑल्सो बैलेंसेज द सिचुएशन. लाइक द गवर्नमेंट बजट इज फॉर रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटीज बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दैट विल ऑल्सो बी फुलफिल्ड. आफ्टर दिस वॉट इज डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट इज वेन द गवर्नमेंट सेल्स होल ऑफ द पार्ट ऑफ द शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर, राइट? टू मीट इट्स डेफिसिट, राइट? जो भी डेफिसिट है सरकार का उसे पूरा करने के लिए सरकार अपना सामान बेच रही है, राइट? एंड डेफिसिट फिनेंसिंग इज व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स RBI टू इशू न्यू करेंसी, राइट? इशू न्यू करेंसी अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स. दिस इज हाउ द गवर्नमेंट गेट्स द मनी. सेंट्रल बैंक बायज द ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट शेयर्स एंड गेट एंड द गवर्नमेंट गेट्स कैश इन एक्सचेंज ऑफ दैट ट्रेजरी बिल. अब बजट को कैसे फिनेंस करेंगे? देर आर डिफरेंट मेथड्स. वन इज टू एक्सपेंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाओ. ईदर यू गेट द बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक और यू डू द डिसइन्वेस्टमेंट, अपने सामान को बाहर बेच दो. सो हाउ दीज थ्री विल अफेक्ट. बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक, गवर्नमेंट मे रेज लोन्स. गवर्नमेंट अगर लोन्स लोगों से लेती है तो जनरल पब्लिक के पास पैसा जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है. गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है. कैसे बढ़ा सकता है? गवर्नमेंट डेफिसिट फिनेंसिंग कर सकता है. व्हेन द गवर्नमेंट विल डू द डेफिसिट फिनेंसिंग, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, राइट? सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल अपने पास रख लेता है, गवर्नमेंट को कैश दे देता है, उसके बदले में न्यू करेंसी इशू करता है. व्हाट विल हैपन? दैट मनी विल फ्लो इन द इकोनॉमी, उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, राइट? और लोगों के पास पैसा जाएगा. एंड व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट इज सेलिंग द पार्ट और द होल शेयर्स, होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द टू द प्राइवेट सेक्टर. दैट ऑल्सो विल हेल्प द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. सो दिस इज इट हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. The chapter is completed. Wherever you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.